और आप देख रहे हैं NIB News। कुछ दिन पहले हमारी NIB News की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर शिलोंग की एक होटल से एक LH प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें उन्हें बहुत सारा खतरा का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी चतुराई और होशियारी के कारण रैकेट चलाने वाले लोग आज पुलिस कस्टडी में हैं। लेकिन ये सिलसिले यही खत्म नहीं हुआ। इन दो रिपोर्टर ने फिर से रिंजा लापालांग में स्टिंग ऑपरेशन कर एक घर का पता लगाया, जिस घर से ये रैकेट चलाया जा रहा था। रैकेट चलाने वाले की नाम नैन्सी माराक है। पुलिस की मदद ली गई और घर से ऐसे कुछ सामान बरामद हुआ, जिससे साबित होता है कि कितनी बड़ी रैकेट शिलोंग की नाक पर चल रही थी। आपके पास ATM है ना? नहीं बोल रहे, उसका पास है, उसका पीओ सा है। ब्लॉक ब्लॉक बता रहे, तो बात करो हैं दीदी। हेलो, तो लेके नहीं आया। अच्छा उसको थोड़ा ना फोन दो। हमको लेके आने के लिए, अच्छा ठीक है, हम फिर लेके आएगा। हेलो, आप कहाँ जाएगा? नहीं वो फिर हाँ मैनेज कर लेगा, कर लेगा, टेंशन क्यों कर रहा है? आधा घंटा टाइम दो, मैनेज कर लेगा, क्यों टेंशन कर रहा है? घर में रह जाएगा, एग्जाम पे तो रहना है ना, एग्जाम पे तो रहना है ना, एक हो जाएगा, क्यों टेंशन? दीदी बोल रहे नहीं हो रही। अरे हम दीदी से बात कर रहे थे, काम खत्म नहीं क्या? राइट भी नहीं है, उधर से रोशनी आएगा। लाइट बंद कर दो। कितना साल से अभी घर बैठा? नहीं, एक साल भी नहीं हुआ, एक या साल में हम लोग फर्स्ट टाइम आया।
दिसंबर नो लास्ट दिसंबर हो गया इसी के साथ मैं वसुंधरा विदा लेती हूँ, धन्यवाद।